अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एमटीकेट के हवाले से आज दो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेटेस्ट न्यूज़ देकर हम आपके खिदमत में हाजिर हैं। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर शाहिद नदीम पर खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आप बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स के लिए पीएमसी के ऑफिशियल पेज को ज्वाइन करें, गूगल पर देखते रहें और साथ साथ उनके ट्विटर अकाउंट को भी ज्वाइन करें, फॉलो करें, ताकि जो भी कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ हो आपको हमारे चैनल के साथ साथ वहाँ से भी नोटिफिकेशन क्लियर होता जाए। जो भी रीसेंट प्रेस रिलीज जो है वो जारी हुई है वो इस टाइम आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि ऑल एडमिटेड स्टूडेंट्स अपॉन ग्रेजुएशन ऑफ वेरिफिकेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज शैल ड्यूली रिसीव देयर पीएमसी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एक्सेस टू द स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल। जिस तरह की आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर एमबीबीएस या बीडीएस में उसको एडमिशन दिया जाता है या मिलता है उसको, तो साथ ही साथ उसको पीएमसी की जानिब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल नंबर और स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल जो है वो साथ ही साथ उस पर एक्सेस मिल जाती है। तो पीएमसी ने कहा है कि वैकेंट सीट्स पे जितने भी एडमिशन्स हुए हैं उन सबको वेरी सून यूनिवर्सिटीज़ के तमाम स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही साथ स्टूडेंट ऑनलाइन पोर्टल पे जो है उनको एक्सेस मिल जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि सीट्स रिमेनिंग जो सीट्स रह गई हैं ईच कॉलेज में, हर कॉलेज में अभी भी वैकेंट यानी कि कोई सीट रह गई है, तो उसको हम 1 अप्रैल 2022 तक जो है उसको डिक्लेयर कर देंगे कि अगर आया कि अभी भी कोई खाली सीट किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में, किसी प्राइवेट, किसी पब्लिक मेडिकल सेक्टर में जो है कोई खाली सीट रहती है, अगर रहती होगी तो पीएमसी वो 1 अप्रैल 2022 को लिस्ट जारी करेगी, और जब वो लिस्ट जारी करेगी उसके मजीद बाद में लाहे अमल भी जो है वो बताएगी कि आपने किस तरह से उन वैकेंट सीट्स पर एडमिशन जो है वो अपना सिक्योर करना है, या अगर वैकेंट सीट्स अगर 1 हैं 2 हैं 10 हैं 20 हैं जितनी वैकेंट सीट्स हैं फ़लाँ फ़लाँ सूबे में या फ़लाँ फ़लाँ कॉलेज में, उनका क्या क्राइटेरिया है, उनके लिए एमटीकेट का क्या परसेंटेज होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया, क्या करिकुलम होना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको एक और न्यूज़ बताते चले कि पीएमसी ने 2022 का सिलेबस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जो था जारी कर दिया था कि ये सब्जेक्ट हैं, ये जो है सिलेबस है 2022 के एमटीकेट का, तो स्टूडेंट जो है वो इसके मुताबिक तैयारी करें। लेकिन जिस तरह की आप लोग जानते हैं 2021 में भी उन्होंने एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया, एक नई चीज़ को ऐड कर दिया जिसमें लॉजिकल रीजनिंग ऐड था। अब उन्होंने कहा है कि पीएमसी नेशनल एमटीकेट सिलेबस जो 2022 का है, और जो उन्होंने सिलेबस और जो सब्जेक्ट्स दिए हैं उनको तैयार करें, लेकिन एनुअल रिव्यू जो है वो बोर्ड एक कर रहा है। एनुअल रिव्यू के बाद अगर मजीद कोई चेंजिंग आई सिलेबस में, मजीद कोई अमेंडमेंट आई, तो वो हम स्टूडेंट्स को कुछ देर पहले डिक्लेयर कर देंगे कि इस तरह से अमेंडमेंट हुई है या इस तरह से तब्दीली आई है, ये सब्जेक्ट डाल दिया गया है या ये सब्जेक्ट निकाल दिया गया है, या फिर अगर मार्क्स की डिवीजन भी अगर चेंज हुई तो वो भी पीएमसी जो है वो स्टूडेंट्स को बता देगी, ताकि स्टूडेंट्स को पेपर से पहले, टेस्ट से पहले, एमटीकेट के ऑफिशियल टेस्ट से पहले कोई परेशानी देखने को ना मिले। तो इस तरह की जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ हम आपको सबसे पहले बताते रहते हैं। सबसे पहले तमाम न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल के साथ ट्यून इन रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए डॉक्टर शाहिद नदीम टीवी। शुक्रिया।